लॉकडाउन के कारण राज्य में पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी चोरी छिपे कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जीएसटी एंटी इविजन टीम कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में झुंझुनू की टीम ने शहर की 2 नंबर रोड स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर कार्रवाई की और एक ट्रक से करीब 3.5 लाख रुपये की कीमत का पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जब्त किए। संयुक्त आयुक्त रामेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की है, जहां किराने के माल की आड़ में तंबाकू उत्पाद की सप्लाई की जा रही थी। जयपुर से एक झुंझुनू आ रही ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन को चेक किया और उसमें ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसके नीचे पान मसाला हो सकता है, तो गाड़ी को अनलोड करवाकर जांच करने पे पाया कि उसमें दिलबाग और तानसेन ब्रांड पान मसाला के कुछ नग नीचे रखे हुए थे छुपाकर। गाड़ी को सीज कर लिया गया है और कर भवन में खड़ा कर दिया गया है। इसका वैल्यूएशन किया जाएगा।